जींद स्कूलों के 100% हाजिरी वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। डीसी अमित खत्री ने मंगलवार को डिफेंस कॉलोनी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 100% हाजिरी वाले 42 बच्चों को सम्मानित कर इस जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। जिला के उन सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी हाजिरी 100% है। डीसी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जो बच्चा प्रतिदिन स्कूल आकर अध्ययन करता है उसे निश्चित तौर पर जीवन में सफलता हासिल होती है। उन्होंने बच्चों का आह्वान करते हुए कहा कि देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी बच्चों की ही होती है, इसलिए वे बचपन से ही कड़ी मेहनत को अपनाते हुए इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि यह चोटी कोई एक दिन में नहीं बन गई थी। दुनिया में सबसे ऊंचा बनने के लिए इसने अपनी ऊंचाई एक एक इंच कर बढ़ाई है। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि वे हर रोज स्कूल आकर कड़ा अध्ययन करते हुए अपने जीवन को बुलंदियों तक लेकर जाएं। जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता, आजाद टीवी न्यूज। फुल अटेंडेंस, कंप्लीट अटेंडेंस एक सुनने में चाहे बेसिक एस्पेक्ट लगता हो, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मैं इसे बहुत ही अहम मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई निरंतर बच्चा स्कूल में कक्षा में आ रहा है तो उसकी शिक्षा का ग्रहण बिना किसी ब्रेक होगा और बिना ब्रेक के वो और बेटर समझ पाएगा और वो और अपना अच्छा परफॉर्म करेगा एग्ज़ाम में। अच्छा देखिए जी, अच्छे रिजल्ट आए हैं काफ़ी हमारे 10वीं 12वीं के, और अदरवाइज़ भी UPSC से यहाँ से अनेकों सिलेक्शन होते हैं, तो शिक्षा क्षेत्र में हम ठीक हैं, बढ़िया कर रहे हैं, वो और भी बेहतर करें। जो बच्चों की हाजिरी के लिए जिन बच्चों ने 100% हाजिरी प्रथम और द्वितीय स्थान पर जिन्होंने प्राप्त की है उसके लिए बच्चों को सम्मानित किया गया, और DC साहब ने इसमें खुद स्वयं इतना प्रयास किया है कि खुद ही बच्चों के बीच में वो उपस्थित हुए, और ये इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। बच्चे दूसरों को देख करके एक उदाहरण बनेंगे कि जितनी रेगुलरिटी उनकी बनेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया शुरुआत, नए प्रयास रहेंगे।